आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नोकिया 5.1 प्लस के टॉप 10 बेस्ट फीचर के बारे में जो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आपके पास नोकिया 5.1 प्लस है या फिर आप खरीदने वाले हैं, इस वीडियो को दिल थाम के लास्ट तक देखिए और बिना लाइक और शेयर किए मत जाइएगा। हाय, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं टेक्नो अड्डा। सबसे पहला और अच्छा फीचर जो इस फोन में मिल जाता है वो है कास्ट मोड, यानी कि अगर आप टीवी पे आपको देखना है अपने डिवाइस के मॉनिटर को तो यहां से स्क्रीन कास्ट आप कर सकते हैं। ये वाला फीचर आपको नोकिया 5.1 प्लस में मिल जाता है। दूसरा फीचर जो मुझे इसका बहुत ही मज़ेदार लगा है वो इसका नाइट मोड, कि अगर आपको स्क्रीन की लाइट चुभ रही है, रात में अच्छी नहीं लग रही है यूज करने, तो आप नाइट मोड ऑन कर सकते हैं और स्क्रीन की ब्राइटनेस देखो कितना कम हो जाता है, बिल्कुल मून लाइट जैसा डिस्प्ले हो जाता है। तो ये वाला फीचर भी बहुत मज़ेदार है। तो अगर आपके पास नोकिया 5.1 प्लस है तो इस फीचर को जरूर से यूज कीजिए। अगला फीचर जो इस फोन का इंटरेस्टिंग है वो है इसका स्क्रीन शॉट। अगर आपको इस फोन का स्क्रीन शॉट लेना है तो पावर बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप पावर बटन प्रेस करके भी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ नोटिफिकेशन पैनल में आपको स्क्रीन कैप्चर दिया गया है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ स्क्रीन शॉट ले लिया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा है। और एक और सबसे मजेदार जो मुझे अभी तक का लगा है वो है कॉलिंग के लिए। आप किसी भी नंबर पे कॉल करते हो, जैसे ही आप कॉल करोगे आपको यहाँ पे चेंज सिम का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है और दूसरे सिम से कॉल चले जाता है। ये वाला फीचर बहुत कम गिने चुने स्मार्टफोन में मिलता है, तो ये वाला फीचर मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा है। अगला फीचर जो कुछ गेस्चर से रिलेटेड दिए गए हैं और वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उनमें से सबसे पहला फीचर जो है वो है स्वाइप फिंगरप्रिंट फॉर नोटिफिकेशन। फिंगरप्रिंट को आपको स्वाइप करना है और दिख जाएगा कि नोटिफिकेशन पैनल में क्या है नहीं है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पीछे से उंगली स्वाइप करता हूँ तो देखो नोटिफिकेशन पैनल डाउन हो जाता है। तो ये वाला फीचर भी बहुत कूल और इंटरेस्टिंग है। अगर आप नोकिया 5.1 है आपके पास तो इस फीचर को आप जरूर यूज कीजिए। अगला है टर्न ओवर टू रिजेक्ट कॉल। अगर आप फोन को नीचे करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ही कॉल कट जाता है, बिल्कुल इसी तरह। ये बहुत ही मज़ेदार फीचर लगा है मुझे। और अगला है म्यूट टू पिकअप। कोई भी कॉल अगर आ रही है, आप कहीं काम कर रहे हो, तो ये फीचर को आप ऑन करके सिर्फ हाथ को शेक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉल म्यूट हो जाएगा, आपको किसी भी बटन को प्रेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला जो गेस्चर वाला फीचर है जंप टू कैमरा, ये वाला फीचर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बस आपको डबल टैप करना है पावर बटन को और आपका कैमरा ऑन हो जाता है। तो ये वाले फीचर भी इंटरेस्टिंग है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अगला है लिफ्ट टू चेक फोन। ये वाला फीचर है कि अगर आपको टाइम नोटिफिकेशन वगैरह ऑन करना है इस टाइप में तो ऐसे स्वाइप करो, आपके डिस्प्ले लाइट जल जाती है और आपको टाइम नोटिफिकेशन सब कुछ दिख जाता है। तो ये था सारे गेस्चर फीचर जो कि बहुत ही मज़ेदार थे। अब आपको और कुछ इंटरेस्टिंग फीचर से मुलाकात करवा देते हैं जो कि मुझे इस फोन में बहुत ही अच्छा और मज़ेदार लगा है। अगला फीचर जो इस फोन का मुझे मज़ेदार लगा है वो है मैग्नीफिकेशन वाला फीचर, वो बहुत ही मज़ेदार है। ये एक ऐसा फीचर है जिसमें आपको डबल टैप करते ही स्क्रीन पूरी तरह से जूम हो जाता है। कहीं पे भी हो, आपको जूम करना हो तो ट्रिपल टैप मारो और स्क्रीन बहुत ही बड़ा हो जाता है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। तो ये वाला फीचर भी मुझे बहुत कूल लगा है और इसे मैं यूज करता हूँ कभी कभी जब मैं एडिटिंग वगैरह करता हूँ, बाकी मैं यूज नहीं करता हूँ। ट्रिपल टैप करो, ये फिर से छोटा हो जाता है। तो ये वाला फीचर भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर थे जो मुझे अभी तक इंटरेस्टिंग लगा है नोकिया का। बाकी के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर हैं, लेकिन तो ये वाले फीचर जो भी मैंने आपको बताया है वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है टॉप बेस्ट फीचर ऑफ नोकिया 5.1 प्लस वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके पास नोकिया 5.1 प्लस है, इस फीचर को जरूर से यूज कीजिएगा, आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही कुछ पूछना हो इस फोन से रिलेटेड तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।